ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस, इतने महके, इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। जनपद पंचायत डौंडी लोहारा से 3 किलोमीटर की दूरी में बसा ग्राम पंचायत कसही है, जो आदिवासी अंचल में आता है, जहाँ पर्यावरण हरियाली के प्रति लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। ग्रामवासी का मानना है कि पेड़ पौधे लगाने से वायुमंडल में शुद्धता के साथ वातावरण भी शुद्ध होता है। एक और नाम के लिए नेता अधिकारी वृक्षारोपण के तहत वृक्ष लगाकर ऐसे ही अपना कर्तव्य निर्वहन कर छोड़ देते हैं। देखरेख के अभाव में उनका लगाया हुआ पेड़ मर जाता है, परंतु ग्राम पंचायत कसही के ग्रामीणों द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने समझा कि एक पौधा लगाना 100 पुत्रों के समान है। मानने का यही कारण है कि एक पेड़ कई सालों तक जिंदा रहता है और मानव समाज को फल फूल से लेकर छाया तक देता है। वृक्ष लगाने के बाद उसको बचाव के लिए ट्री गार्ड बनाया गया है। ये कार्य मनरेगा के तहत कराया जा रहा है, जिससे कोरोना काल में ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। इस काम के लिए लगभग 11 से 12 लाख की स्वीकृति हुई है, जिसे बालौद के ठेकेदार द्वारा काम करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये अच्छा कार्य है, बेरोजगार को रोजगार मिल गया है। मैं ग्राम पंचायत कसी जनपद पंचायत डौंडी लोहारा का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में पथ वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी लाभदायक है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो इससे जितने भी जीव जंतु है उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, तथा पर्यावरण केवल पेड़ पौधों से नहीं, अपने जैसे ईंधन वगैरह से भी पर्यावरण दूषित होता है। साफ सफाई रखना है गांव का, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ग्राम पंचायत कसही की रोजगार सहायिका हूँ। यहाँ ग्रामीण लोग बैठक करके मनरेगा का काम स्वीकृत करवाए हैं, पथ वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। तो उसमें 11,290 रुपये का स्वीकृति आया है और 1200 पौधा सेंक्शन किया गया था, 1200 पौधा लगवाने का। तो हमारे पंचायत में 1200 पौधा लग गया है और उनकी रख रखाव के लिए ट्री गार्ड का निर्माण करवाया गया और पूरा वृक्ष में ट्री गार्ड भी लग चुका है। कुछ पौधों में जो ज़्यादा लगा है वहाँ तार फेंसिंग भी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का एक सराहनीय पहल है, जो मनरेगा के तहत इस पर्यावरण की दृष्टि से जो वृक्ष रोपण किए हैं, ये बहुत बहुत मैं ग्राम पंचायत को धन्यवाद दूंगा। और वास्तव में आज के ये में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से हमारे जो जितने भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जल का भी संरक्षण होता है, इससे मनुष्य को शुद्ध वायु मिलेगा और पशु पक्षियों को भी